असलकम आज हम सॉल्व कर रहे हैं असाइनमेंट यानी चैप्टर जिसका नाम कैनमेटिक्स है उसमें हम असाइनमेंट टू पॉइंट को सॉल्व कर रहे हैं और ये असाइनमेंट जो है इट इज अबाउट ब्रेकिंग कार तो इट सेज दैट ऑन ए कार इज मूविंग एट स्पीड लिमिट ऑफ वन हंड्रेड ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर बाई द कार कम्स टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस ऑफ थर्टी मीटर वॉट इज़ दी डी ऑफ़ दी कार ये कहता है कि मोटर वे पे एक कार है जिसकी इनिशियल स्पीड जो है वो 120 किलोमीटर पर आवर है लेकिन जब वो ब्रेक लगाता है ब्रेक लगाने के बाद वो 30 मीटर का डिस्टेंस तय करके रुक जाता है तो इस दौरान जो उसकी डी है वो हमने फाइंड आउट करना है क्योंकि यहाँ पे स्पीड पहले ज़्यादा है तो जब ब्रेक लगाता है तो स्पीड कम हो जाता है यानी वालासटी कम हो जाती है तो जब वालासटी डिक्रीज होती है तो डिसलेसन जो है वो प्रोड्यूस होता है तो मैं सपोज करता हूँ कि लेट सपोज कार जो है वो पॉइंट ए पे है जब वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँचता है तो इस वक्त इसकी इनिशियल वलासिटी जो है वो होती है वन किलोमीटर पर आवर और।, और इस पॉइंट पे वो ब्रेक लगाता है जब वो ब्रेक लगाता है तो जब सी पे पहुंचता है तो इस पॉइंट पे वो रुक जाता है यानी यहाँ बी से लेकर सी तक जो डिस्टेंस है एस ये थर्टी मीटर है तो यहाँ पॉइंट सी पे रुक जाता है तो पहले इनिशियल वेलोसिटी 120 किलोमीटर पर आवर है और कार जब रुक जाता है तो यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो किलोमीटर या मीटर पर आवर हो जाती है तो इस दौरान डी प्रोड्यूस होता है हमने डी को फाइंड आउट करना है तो ये जो है हमारे पास गिवन डाटा है इनिशियल वेलोसिटी 120 किलोमीटर पर आवर है और फाइनल वेलोसिटी जीरो किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस जो है वो 30 मीटर है और हमसे जो रिक्वायर्ड है वो एक्सलरेशन है तो इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो है यूज़ करते हैं और हमें पता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है दिस इज इक्वल टो वी एफ इज इक्वल टो वी आई प्लस ए टी तो यहाँ पर अगर इसी क्वेश्चन को हम देखें हमारे पास फाइनल वालासटी भी है इनिशियल वालासटी भी है और जो हमने फाइंड आउट करना है एक्सलरेशन वो भी है और टाइम जो है हमारे पास यहाँ पर नहीं है तो लिहाजा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं इसके बाद आते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ विच इज़ इक्वल टू एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है अगर यहाँ पे देखें यहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं है तो लिहाजा इस इक्वेशन को भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इट इज़ इक्वल टू टू तो ए एस इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई स्क्वायर तो इसी क्वेश्चन को अगर हम देखें और गिवन डेटा को हम देखें तो हमारे पास डिस्टेंस भी है फाइनल वेलोसिटी भी है इनिशियल वेलोसिटी भी है तो इसी क्वेश्चन को हम यूज़ करके डिसलेशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं तो इसी क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूँ कि ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एस अब इसमें हमने वैल्यूज़ पोट करनी है और वैल्यूज़ में से हमारे पास विलास्टी है इनिशियल विलास्टी 20 किलोमीटर पर आवर है सबसे पहले हमने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ बाई 100 और इस आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैं थर्टी सिक्स थाउजेंड मल्टीप्लाई करता हूँ तो इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे पास होगी इट विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वन हंड्रेड ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाई वन थाउजेंड और को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं बाई थर्टी सिक्स हंड्रेड तो इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और थर्टी सिक्स हंड्रेड पर डिवाइड जब करेंगे तो हमारे पास इनिशियल विलास्टिक की वैल्यू जो आएगी इट विल बी इक्वल टू थर्टी मीटर पर सेकेंड आ जाएगी अब इस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट करना है तो ए विल बी इक्वल टू वी एफ स्क्वायर जो है दिस इज इक्वल टू जीरो माइनस वी आई जो है दिस इज इक्वल टू थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री स्क्वायर हो जाएगा यानी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर चूंकि वालास्टिक की यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पे ऊपर स्क्वायर है तो यूनिट भी जो है हमारे पास स्क्वायर में हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर और नीचे जो है हमारे पास वो है टो और डिस्टेंस जो है वो थर्टी मीटर है तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी माइनस वन 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 ज़ीरो पॉइंट एट एट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर और नीचे जो हमारे पास आएगी वो सिक्सटी मीटर आ जाएगी तो यहाँ पे ये स्क्वायर और ये मीटर कैंसिल हो जाएंगे और जब हम इस वैल्यू को सिक्सटी पे डिवाइड करेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस वन एट पॉइंट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो दिस इज़ वैल्यू ऑफ़ डी So this is something about the assignment number 2.6. Thank you.